प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आपने देवी देवताओं और उनके मंदिरों में होने वाले चमत्कारों के बारे में कहीं ना कहीं अनेकों बार सुना या देखा जरूर होगा। लेकिन भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसे दिव्यता और चमत्कारों से भरपूर मंदिर के बारे में कहानी सुनाऊंगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर दिन ऐसा चमत्कार होता है कि मंदिर कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। जी हाँ भक्तजनों, आपने सही सुना, पूरा का पूरा मंदिर ही गायब हो जाता है। और यह चमत्कारी मंदिर देवभूमि भारत के इस राज्य में यहाँ पर स्थापित है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं कि आखिर किस भगवान का वह कौन सा मंदिर है जो दिन में गायब हो जाता है और फिर दिखाई देने लगता है, उसकी विस्तार से कहानी। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, हमेशा यह जरूरी नहीं कि हमारी श्रद्धा और भावना ही हमें किसी भी देवी देवता के मंदिर की ओर खींच कर ले जाए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम धार्मिक चीज़ों पर आँख मूंद कर विश्वास कर ले या विश्वास ही नहीं रखते। लेकिन कभी कभी कुछ खास और आकर्षक चीज़ें भी हमें मंदिरों की ओर स्वतः ही आकर्षित कर ले जाती है और उस ओर हम चल पड़ते हैं। भक्तजनों, क्या आज के इस वैज्ञानिक युग में भी क्या यह विश्वास कर पाना उचित लगता है कि कोई मंदिर आज के समय में भी अपनी कुछ खास और दिलचस्प चीज़ों की वजह से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है? जी हाँ भक्तजनों, ऐसा ही एक मंदिर है जो अपनी ओर लोगों को सहज ही आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसके चमत्कारों के बारे में चारों ओर ऐसी ही बातें सुनाई देती है। भक्तजनों, ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर है गुजरात राज्य में कवि कंबोई नगर में, अरब सागर के तट और खंबात की खाड़ी के बीच में समुद्र के किनारे स्थापित है, जो भगवान शिव शंकर महादेव का अद्भुत स्तंभेश्वर महादेव शिव मंदिर है। शिव जी का यह अति प्राचीन मंदिर अद्वितीय और अनेक चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह मंदिर हर दिन कुछ समय के लिए जलमग्न होकर स्वतः ही गायब हो जाता है और दोबारा फिर से दिखाई देने लगता है। इसलिए इस मंदिर को भारत का एकमात्र गायब होने वाला शिव मंदिर कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव शंकर महादेव के अद्भुत स्तंभेश्वर महादेव शिव मंदिर पूरे साल भर देश भर से अनेक श्रद्धालु भक्त मंदिर के गायब होने वाले अद्भुत नज़ारे को दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। उक्त जलमग्न स्तंभेश्वर महादेव शिव मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र में गायब होने वाले उक्त मंदिर में भगवान शिव शंकर के प्रतीक रूप में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा है। शिवजी के ज्येष्ठ पुत्र देवों के सेनापति देव सेनापति स्वयं भगवान कार्तिकेय जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। प्रिय भक्तजनों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धरती ही नहीं चारों दिशाओं में भगवान शिव के परम भक्त असुरराज दानव ताड़कासुर ने हाहाकार मचा रखी थी और शिव जी के द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आतंक मचाते हुए भोले भाले और सीधे लोगों को परेशान करने लगा था। उसके आतंक से सभी परेशान हो गए थे। तब देव सेनापति भगवान कार्तिकेय जी ने उसका वध करके सबको उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन भक्तजनों, ताड़कासुर को मारने के बाद भगवान कार्तिकेय जी इसके लिए खुद को दोषी समझकर दुखी होने लगे थे, क्योंकि ताड़कासुर भगवान शिव का सबसे परम प्रिय भक्त भी था। तो उनके दुख को दूर करने के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें यह कहकर सांत्वना दी कि किसी दानव को जो आम लोगों को बिना मतलब या बिना कारण के परेशान करता है, सताता है, उसका वध करना कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कार्तिकेय भगवान महादेव शिव जी के महान भक्त को मारने के पाप से दोष मुक्त होना चाहते थे। कार्तिकेय जी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि वे समुद्र के किनारे
पर शिवलिंग की स्थापना करके हर रोज सुबह शाम विधिवत पूजा आराधना करने के बाद भगवान महादेव से उक्त पाप से मुक्ति पाने के लिए माफी मांगते हुए श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें, जिससे शिवजी प्रसन्न होकर आप पर कृपा करेंगे और आपके पापों से आपको मुक्त कर देंगे। भक्तजनों, कार्तिकेय जी की पूजा आराधना से शिवजी प्रसन्न हो गए एवं भगवान कार्तिकेय जी को ताड़कासुर वध से लगे पाप से मुक्त कर दिया। तभी से यह शिवलिंग यहाँ स्थापित हुआ। बाद में शिव भक्तों द्वारा यही समुद्र के किनारे शिवजी का भव्य दिव्य मंदिर शिवलिंग के आसपास बनाकर वहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी और नियमित उसकी पूजा आराधना की जाने लगी। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव शंकर महादेव के इस स्तंभेश्वर मंदिर की एक बड़ी खास बात यह है, जिसके लिए यह मंदिर दुनिया भर में जाना और माना जाता है, प्रसिद्ध है, वह यह है कि इस अलौकिक चमत्कारी मंदिर में भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करने के लिए स्वयं समुद्र देव दिन में 2 बार आते हैं और समुद्र शिव जी का अभिषेक भी करते हैं। उस समय कुछ देर के लिए शिव जी का यह मंदिर पूरी तरह गायब हो जाता है, यानी कि पूरी तरह समुद्र में डूबकर जलमग्न हो जाता है और फिर किसी को भी दिखाई नहीं देता। और थोड़ी ही देर में जब समुद्र भगवान का अभिषेक कर लेते हैं तो पूरा मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। भक्तजनों, यह मंदिर अरब सागर के खंबात की खाड़ी के किनारे स्थित है और समुद्र के बीच में स्थित होने की वजह से इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। समुद्र के बीच स्थित होने के कारण न केवल इस मंदिर का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि समुद्र देवता स्वयं भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। इस बात को सभी लोग मन से स्वीकार भी करते हैं। जब समुद्र अभिषेक करने आता है तो उनकी लहरों के कारण शिवलिंग पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। यह परंपरा सदियों से सतत चली आ रही है। यहाँ स्थित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट घेरे वाला है। भक्तजनों, शिव जी का गायब होने वाला यह मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय चमत्कारी मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के दर्शन केवल कम लहरों के वक्त ही किए जा सकते हैं। ऊंची लहरों के समय यह मंदिर डूब जाता है और पानी में डूब जाने के कारण यह मंदिर फिर किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे गायब होने वाला शिव मंदिर कहा जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु समंदर द्वारा भगवान शिव शंभु के जलाभिषेक का अलौकिक दृश्य देखने के लिए यहां आते हैं। कहा जाता है कि जिस तरह भगवान कार्तिकेय जी की पूजा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव शिव शंकर ने उन्हें ताड़कासुर के वध के पाप से मुक्त कर दिया था, ठीक उसी तरह इस शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग का विधिवत पूजा अभिषेक जो भी श्रद्धालु भक्त करते हैं उनके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं उन्हें उन पाप कर्मों से मुक्त कर देते। साथ ही मान्यता है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने से मनुष्य की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ होने वाले चमत्कार को देखने एवं अपनी कामना पूर्ति की कामना से हजारों श्रद्धालु पूरे वर्ष भर यहाँ आते रहते हैं। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, उपरोक्त हर दिन में 2 बार गायब होने वाले चमत्कारी शिव मंदिर से जुड़ी यह रहस्यमय अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।